नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पाकिस्तानी मूल की सांसद यास्मीन कुरैशी ने उठाया कश्मीर मुद्दा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा, भारत और पाकिस्तान को मिलजुल कर सुलझाना चाहिए कश्मीर मुद्दा, इसमें किसी तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं। पीओके में आजादी की मांग पर भड़का पाकिस्तान, प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठियां। ब्लैक डे पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोग कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के करीब 93 मदरसों में आतंकी समूहों को मिल रही है पनाह। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने मुख्यमंत्री मुराद अली शाह को दी जानकारी। शाह ने मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सेंट्रल इटली और रोम में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल 5.6 की रही तीव्रता। कई इमारतें हुई ध्वस्त, 2 लोग घायल। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलीब प्रांत में एक स्कूल पर हुआ हवाई हमला। 22 बच्चे और 6 अध्यापकों की मौत। हमले में रूसी युद्धक विमानों के होने की आशंका। नेपाल के हेटौडा में एक सरकारी इमारत में फटा गैस सिलेंडर। 36 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।